नमस्कार दोस्तों, आईपीएल के शुरू होने की बाद अब तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम एक बार भी आईपीएल के खिताब नहीं जीत पाई है। हालांकि डिविलियर्स और विराट कोहली की आरसीबी तो फाइनल में कई बार गए हैं, लेकिन अब तक वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब लग रहा है कि आरसीबी की यह ख्वाहिश भी आईपीएल 2019 में पूरा होने जा रही है, क्योंकि भारतीय टीम को 28 साल बाद विश्व कप दिलाने वाला कोच गैरी कर्स्टन को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आईपीएल 2019 के लिए मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो आपको बता दें, कर्स्टन इससे पहले साल 2008 से लेकर 2011 तक भारतीय टीम के कोच रहे हैं और उनके ही अंडर भारत ने 28 साल बाद 2011 में हुए विश्व कप का खिताब जीता था। और पिछले साल आईपीएल 2018 में आरसीबी टीम का प्रदर्शन बिल्कुल भी निराशाजनक रही थी। टीम में विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गज होने के बावजूद भी अंक तालिका में आरसीबी की टीम सबसे नीचे रहे थे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि गैरी कर्स्टन के कोच बनने के बाद भी अगले साल आरसीबी के भाग्य बदलता है या नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आईपीएल 2019 में आरसीबी टीम का सपना पूरा हो पाएगा कि नहीं? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।